दोस्तों नमस्कार, मैं शिवराम सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्मार्ट पॉइंट पर। दोस्तों कुछ समय पहले जो है हमने एक वीडियो बनाया था बैंक ऑफ इंडिया में किसी भी बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करते हैं, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था तो कमेंट कर रहे हैं कि इस पर जो है दोबारा से वीडियो बना के दीजिए। तो इसी टॉपिक पे हम जो है ये वीडियो बना रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर हम किसी भी बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करते हैं और उसमें बैलेंस को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस करके दिखाऊंगा, ऐड करके भी दिखाऊंगा और बैलेंस को ट्रांसफ़र भी करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना बैंक ऑफ इंडिया का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे। यहाँ पे हम जो है अपना यूजर आईडी और लॉगिन पिन डाल के जो है लॉगिन कर ले रहे हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे जो है आपको मोबाइल नंबर, यूजर आईडी, कस्टमर आईडी तीन ऑप्शन मिल जाते हैं लॉगिन करने के लिए। आपके पास जो भी डिटेल है उसके साथ जो है लॉगिन कर लीजिए। यहाँ हमने अपनी डिटेल फिल कर दी है और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही ये इस तरीके से लॉगिन होकर आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको जाना है फंड ट्रांसफ़र पे सीधा सीधा। यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं और फंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है न्यू फंड ट्रांसफ़र, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। न्यू फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डेबिट अकाउंट, तो सबसे पहले सिलेक्ट फ्रॉम अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर आएगा, उस पर सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। इसके नीचे जो है अब आपको पेमेंट मोड चुनना है कि आप कैसे जो है पेमेंट को भेजना चाह रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है या दूसरा है, NEFT करना चाह रहे हैं, RTGS करना चाह रहे हैं, IMPS करना चाह रहे हैं, जो भी है हम यहाँ पे NEFT सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। इसके बाद जो है नीचे बेनिफिशियरी का नाम पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम ऐड कर दीजिए। इसके बाद जो बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो आप अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद जो यहाँ पे बेनिफिशियरी का जो IFSC कोड है वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे वो डाल दीजिए। बेनिफिशियरी का IFSC कोड आप जैसे ही डालेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक उसकी ब्रांच को ये सर्च कर लेगा और पूरा आपको एड्रेस यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि ये कहाँ का अकाउंट है, कौन सी ब्रांच है, सब कुछ यहाँ पे एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके नीचे आपसे अमाउंट पूछ रहा है कि आप कितना अमाउंट भेजना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हम 50,000 रुपये भेज के दिखा रहे हैं आपको। हमने यहाँ पे 50,000 रुपये डाल दिए। नीचे रिमार्क है, तो रिमार्क में आप कुछ भी डाल दीजिए। तो हम यहाँ पे फ्रॉम शिवराम सिंह डाले दे रहे हैं। आप यहाँ पे रिमार्क में कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं मैं डाल रहा हूँ वो डालें, कुछ भी डाल दीजिए। इसके बाद नीचे आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसे चेक कर देना है और इसके बाद जो है सबमिट पर क्लिक कर लेना है। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल ये रिव्यू कराएगा कि आप सारी डिटेल जो आप चेक कर लीजिए कि आपका जो अकाउंट है जिससे बैलेंस कट हो रहा है वो ये है, पेमेंट मोड जो आपने चुना है वो NEFT है, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर क्या है वो ये है, नाम क्या है ये है, IFSC कोड, अमाउंट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। और मेन बढ़िया बात यहाँ पे ये है, आप देख सकते हैं 50,000 पे भी कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है। यहाँ पे चार्जेस जो है जीरो है, हमसे कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। सारी डिटेल जो है कंफर्म करने बाद नीचे आएंगे और नीचे कंफर्म आपको मिल जाएगा, कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। कंफर्म पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड देना होगा, तो हम चलिए फटाफट से यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड दे दे रहे हैं। ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है। क्यों फेल्ड हो गया इसका रीजन भी आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो पर ट्रांजैक्शन की है वो 25,000 रुपये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 25,000 से ज़्यादा आप एक बार में नहीं भेज सकते हैं। अगर 25,000 से ज़्यादा भेजना है तो आप दो ट्रांजेक्शन में कीजिए, तब आप भेज सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम आपको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। ये मैंने जानबूझ के 50,000 का अमाउंट डाला था कि ये गलती आप भी कर सकते हैं, तो हो सकता है आप जो है कन्फ्यूज हो जाए, फिर आप मुझे जो है कमेंट करेंगे। तो इसलिए मैंने 50,000 का अमाउंट जो है जानबूझ के डाला था। हालांकि मुझे भेजना 50 ही है, तो मैं 25-25 करके दो बार में भेजूंगा, लेकिन ये आपको दिखाना जरूरी था, ये कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं बैक और दोबारा से यहाँ पे हम जो है आते हैं न्यू फंड ट्रांसफर पे और जो है सारी डिटेल जो है वही दोबारा से फिल कर लेंगे। केवल अमाउंट यहाँ पे हम जो है 25,000 कर देंगे। तो जैसा कि अब आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पे केवल अमाउंट चेंज किया, बाकी सब कुछ वही है। अब हम जो है यहाँ पे फिर से कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, सारी डिटेल हमने वेरीफाई कर ली है। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे और ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर करने के बाद ओके करेंगे। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग में और ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुल हो गया है। अब ये 25,000 रुपये जो है हमारे यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है, जो मैंने NEFT के थ्रू भेजा है। मेरे पास मैसेज भी आ गया, आपको दिख रहा होगा। तो ये तो हो गई पेमेंट को ट्रांसफर करने की बात। अब बात करते हैं कि इसी अकाउंट को हमें अगर बेनिफिशियरी लिस्ट में ऐड करना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, जो कि अगले टाइम हम जब भी पेमेंट भेजना चाहें तो हम बगैर ऐड किए हुए भेज सकें।
क्योंकि हो सकता है इसी अकाउंट में आपको दोबारा जरूरत पड़ जाए, जैसे कि मुझे अभी 25,000 और करना है इसी अकाउंट में, तो मैं इसे ऐड कैसे करूंगा जिससे कि हमें पूरी डिटेल दोबारा ना देने पड़े। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना, नीचे एक गोल कलर का मोर का बॉक्स आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही सबसे ऊपर एक आएगा फेवरेट का, तो फेवरेट्स वाले पे क्लिक कर देंगे। फेवरेट्स वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे इसका एक निकनेम दे दीजिए, आप जो भी देना चाहें। तो हम यहाँ पे रमन दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जो है निकनेम दे दिया, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पे हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक मैसेज आपको दिख गया है, BOI मोबाइल पे रमन चतुर्वेदी हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एज योर फेवरेट पे फॉर मेकिंग पेमेंट, यानी कि ये आपका फेवरेट लिस्ट में जो है ऐड हो चुका है, अब आप इसमें जो है कभी भी बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे हम ओके करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं ये अकाउंट हमारा ऐड हुआ है या नहीं हुआ। हम जाते हैं सीधा होम पर, और होम पर जाने के बाद अब हमने जो अकाउंट ऐड किया था हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो देखिए फेवरेट में ऐड हुआ था, तो यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा सर्विस रिक्वेस्ट के आगे फेवरेट का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रमन चतुर्वेदी जो अभी अभी ऐड किया अकाउंट वो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आपको दिखाया भी है कि आपने कौन सा जो है पेमेंट मोड इनका चुन रखा है, हमने NEFT चुना था, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस पे हमें एक बार दोबारा क्लिक करेंगे अकाउंट के ऊपर, देखिए यहाँ पे सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ गई है, यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी है, केवल जो है नीचे अपना अमाउंट आ रहा है, अमाउंट चेंज करके आप इसमें बैलेंस को भेज सकते हैं। तो हमें 25,000 भेजना है दोबारा से, तो हम 25,000 रहने देंगे और सीधा सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो ये दोबारा से रिव्यू कराएगा आपको और हम यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारा सही है सारा कुछ, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड दे देंगे। ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर करने के बाद दोबारा से ओके करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी और आपका ये भी ट्रांजेक्शन देखिए सक्सेसफुली हो गया है। हमारा जो है 25,000 का दो ट्रांजेक्शन हो गया है, दोबारा से मैसेज आ गया है। तो इस तरीके से आप जो किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं, उसमें बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हमने जो दो ट्रांजेक्शन किए हैं वो वाकई में किए हैं या हमने एक ही ट्रांजेक्शन आपको दोबारा से दिखा दिया है। ऐसा तो नहीं हम आपको बेवकूफ बना रहे हो, फेक वीडियो आपको दिखा रहे हो। तो चलिए हम अपने होम पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमको एक बॉक्स मिल जाता है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जो है जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन आपने किए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि अभी आपके सामने हमने तीन ट्रांजेक्शन किए हैं, तो देखिए पहला 50,000 का सबसे नीचे दिख रहा है जो रेड कलर से है, फेलियर दिखा रहा है। उसके बाद 25,000 के दो ट्रांजेक्शन हैं जो आपके सामने अभी हमने करके आपको दिखाए हैं। तो इस तरीके से हमने 50,000 रुपए जो है यहाँ पे किसी के अकाउंट में भेज दिया है। यहाँ पे आप 25,000 मैक्सिमम लिमिट एक बार में भेज सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उम्मीद है दोस्तों आपके कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, बैलेंस ट्रांसफर करना, बेनिफिशियरी को ऐड करना, बेनिफिशियरी ऐड कहाँ पे है वो मैंने बता दिया, फेवरेट में जाएंगे यहाँ पे आपको दिखा देगा जितने भी आपने ऐड कर रखे होंगे। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड भी करना सीख गए होंगे और जो है बैलेंस को ट्रांसफर भी करना सीख गए होंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो में जितनी भी जानकारी हमने दी है उससे आप संतुष्ट होंगे, आपके जो भी सवाल थे आपको उनका आंसर मिल गया होगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो की जानकारी सही लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ऐसे ही जो है बैंकिंग से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ में एक छोटा सा बेल आइकॉन आएगा उसे भी प्रेस कर देना जिससे कि हमारे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, जिससे आप हमारे वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।